everyone, welcome to our YouTube channel. I am your Excel trainer. I am giving you basic Excel class. चलो अपन कर लिया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेफ्ट राइट मिड और कंकॉर्डिनेट. लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट का फॉर्मूला होता है इक्वल एल ई एफ टी लेफ्ट ब्रैकेट ओपन. टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे. बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, हमें सिर्फ राम ही चाहिए. राम में कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 है. 3 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर. नेक्स्ट हम इंसर्ट फंक्शन से भी कर लेते हैं. इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे. लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे. यहाँ पे भी वही करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है. सुरेश में कितने, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे जाना है, कितने कैरेक्टर चाहिए सुरेश में, कितने कैरेक्टर हैं. 1 2 3 4 5 6 6 प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे और इन सबको ड्रैग कर देंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट. राइट करने का फॉर्मूला होता है इक्वल आर आई जी एस टी राइट ब्रैकेट ओपन. टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हमें सिर्फ सिंह चाहिए. सिंह में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 5 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर. इंसर्ट फंक्शन से भी कर लेते हैं. यहाँ पे राइट प्रेस राइट टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे. राइट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे. दोबारा से वही करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे जाना है. कुमार चाहिए, कुमार में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 5 टाइप करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे. नेक्स्ट आता है मिड. करने का फॉर्मूला होता है इक्वल एम आई डी मिड ब्रैकेट ओपन. टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टार्ट नंबर. मैं चाहती हूँ सिर्फ एस आई एन आई बस. तो राम के बाद 1 2 3 और स्पेस 4 5 5 से स्टार्ट करते हैं. कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए हमें? 3 कैरेक्टर्स चाहिए. एस आई एन 3 ही है. ब्रैकेट क्लोज देन एंटर. यहाँ पे सिन एस आई एन ही आएगा. इंसर्ट फंक्शन से भी कर लेते हैं. यहाँ पे मिड टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, मिड को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे. टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट नंबर कहाँ से करना है? मुझे अब इस बार आर ई एस ही चाहिए. तो आर यू 1 स्टार्टिंग नंबर 3 क्योंकि आर 3 पर है. देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर ई एस एच 4 कैरेक्टर्स चाहिए. तो मैं 4 टाइप करूँगी और ओके प्रेस कर दूँगी. आर ई एस एच ही आएगा. अब अगर आपको जो जो मिड वैल्यूज चाहिए वो आप ले सकते हो. नेक्स्ट आता है कंकेटनेट. कंकेटनेट कैसे करते हैं? इक्वल सी ओ एन सी ए टी ई एन ए टी ई ब्रैकेट ओपन पूरा टाइप करेंगे. कंकेटनेट मीन्स जो हमारे नेम है, सरनेम है, वो जो अलग अलग हैं उसको एक ही में मिक्स करके आ जाए. टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद हम 4 5 6 जितने भी हमें टेक्स्ट चाहिए ऐड करके हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे. नेक्स्ट इंसर्ट फंक्शन से भी ट्राई कर लेते हैं. यहाँ पे टाइप करेंगे कंकेटनेट सी ओ एन सी ए टी ई एन ए टी ई कंकेटनेट एंटर. कंकेटनेट पे सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे. टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस ओके प्रेस कर देंगे. आई होप आप लोगों को लेफ्ट राइट मिड और कंकेटनेट समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.